गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के अभी 5:15 बज रहे हैं और हम दूसरी बार निकल रहे हैं कच्छ के लिए। दूसरी बार मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार हमारी गाड़ी दूसरी हमारी जो पार्टनर की जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से हमको रिटर्न आना पड़ा था। तो वसई से हम रिटर्न आए थे और आज हम दूसरी बार कच्छ जा रहे हैं। होप सो सब ठीक चले। तो हम नीचे मिलते हैं गाड़ी के साथ। हमारी राइड शुरू कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अम्बे माते की जय। सो गाइस, हर बार की तरह इस बार भी हम पहले गणपति बप्पा के दर्शन लेंगे और फिर हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मोढेरा, जो यहाँ से 620 किलोमीटर्स है और उम्मीद करते हैं कि हम अंधेरा होने के पहले वहाँ पे पहुँच जाए। डिस्टेंस काफ़ी लंबा है और अभी 5:52 हो रहे हैं। हम लोग 5 बजे निकलने वाले थे लेकिन रात को मेरी नींद में बिल्कुल नहीं सो पाया। इट इज़ अराउंड 3 बजे के करीब मुझे नींद आ गई, उसके बाद लेट हो गया। तो अभी हम गणपति बप्पा के दर्शन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो इस बार भी हमारे साथ हमारा पार्टनर वरद है, जो हमारे पिछले कुछ राइड्स में था साथ में। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे वाया घोड़बंदर टू फाउंटेन होटल और वहाँ से फिर हम लोग नेशनल हाईवे 48 विच इज़ मुंबई अहमदाबाद हाईवे वो लेंगे। पहुँच चुके हैं फाउंटेन होटल। ये जंक्शन है जो हमको मुंबई अहमदाबाद हाईवे को टच करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है काफ़ी बार कि आपको अगर नॉर्थ जाना है तो आपको इसी रोड से जाना पड़ता है, इसी जंक्शन से आपको राइट लेना पड़ता है। तो गाइस राइट में आप देख सकते हैं सनराइज हो रहा है। अभी बज रहे हैं 7 एग्जैक्टली, 1 घंटा हो चुका है हमारा, हम राइट पे निकले हैं। कुछ 15-20 मिनट हम काफ़ी ट्रैफिक में फंसे हुए थे लेकिन उसके बाद अभी तो रोड खाली है। अभी सूरज निकल चुका है और आप लेफ्ट में देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे कोहरा है। अभी ये कोहरा है या स्मोक है ये तो मालूम नहीं है, बट पता नहीं अभी ये कैमरा ये कैप्चर कर पा रहा है, बट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा बायो ब्रेक लिया है। अभी बज रहे हैं 7:23 और हमने 66 किलोमीटर्स क्रॉस किए हैं, विच इज़ अ गुड इनफ डिस्टेंस टू क्रॉस। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, अभी पता नहीं कैमरा ये कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन दोनों तरफ है ना ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मीटर के आगे दिख नहीं रहा है। हमने हमारी हैजर्ड लाइट चालू कर दी है। बटन काफी खूबसूरत लग रहा है। सो दिस इज ये है विंटर की शुरुआत और पिछले 2 दिनों से थोड़ी बारिश हो रही है इस तरफ, शायद से उसी का ही इफेक्ट है। पहुंच रहे हैं चारोटी टोल प्लाजा। हम बॉर्डर पे पहुंचे हैं महाराष्ट्र और गुजरात के। तो अभी ये टाइम आ गया है महाराष्ट्र को राम राम बोलने का और गुजरात को आवजो बोलने का। तो महाराष्ट्र को अभी हम 7 दिन के बाद मिलेंगे। अब शुरू होता है गुजरात।
तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं होटल सहयोग। सुबह से हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो सोचते हैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करें। अभी बज रहे हैं 8:30 और हमने कवर किया 122 किलोमीटर्स, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। सो गाइस हमारी पूरी वजह आ चुकी है, तो काफ़ी डिलीशियस तो लग रही है, चलो खा के देखते हैं। तो मिलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपसे मैं बात करता हूँ कैसे दे रही है इसकी। पूरी भाजी काफ़ी टेस्टी है, मतलब यूजुअली हम लोग तो साउथ इंडियन वगैरह खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन हमने सोचा तो चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। बट इट इज़ रियली वर्थ इट, एंड जब भी हम लोग साउथ इंडियन खाते हैं पता भी नहीं चलता है पेट के किस कोने में जाता है, और हमको फिर से थोड़ी देर रात भूख लगती है। दिस इज़ मोर फुलफिलिंग, और शायद से हमको अभी लंच तक और कुछ खाने की जरूरत भी ना पड़े। ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ। वलसाड़ पहुँचे हैं, तो थोड़ा हाईवे के साइड में रुके ताकि थोड़ा पानी पी सके, हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। तो हमारा जो पार्टनर है, अरे बाप रे कितनी धूल है, हमारा पार्टनर थोड़ी ही आगे है, उसने लाइव लोकेशन शेयर किए हैं। वो क्या हुआ कि हम सिलवासा गए थे पेट्रोल भरने के लिए, बट देन उसकी टैंक फुल थी वैसे ही। इसके लिए फिर उसने बोला कि मैंने बोला उसको कि इसलिए मैंने उसको बोला कि आप तुम इसलिए मैंने उसको बोला कि आगे जाओ एंड आई विल कैच अप विद यू। हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया है, काफ़ी छाव थी यहाँ पे, तो और हाईवे के साइड में था, तो बोला चलो थोड़ा एक ब्रेक भी लेते हैं, क्योंकि अभी अभी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हुए हमारे आखिरी ब्रेक लेके, तो अभी गाड़ी को भी थोड़ा आराम देना ज़रूरी है। वो अभी हमने कंप्लीट किए हैं, तो अभी हमने 228 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं आउट ऑफ 620। तो अभी और करीब 425 किलोमीटर बाकी है। तो गाइस अब तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा है, होप करते हैं कि आज शाम तक हम अपने लोकेशन पे पहुंच जाए। पता नहीं कि जैसे ही सूरत आता है ना कि ट्रैफिक बहुत रहती है यहाँ पे, देखो राइट साइड में पूरी तरह से जाम है। पिछले बार भी जब हम आए थे बारिश हो रही थी, जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे तभी भी यहाँ पे जाम था, और देखो ये रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रुके हैं फॉर लंच, कहाँ लिखा है यार, ये गिरिरथ रजवाड़ी होटल, ठीक है चलो कुछ गुज्जू क्यूजीन रहेगा, गुजराती क्यूजीन वही खाते हैं। गाइस लंच आ चुका है, तो लंच में ये है बाजरे की रोटी, ये है सेव टमाटो, सॉरी ये है लहसुन या सेव टमाटो, ये है ग्रीन सैलड छास, और एक भरेला रोटलो करके एक स्टार्टर आता है, वो अभी आया नहीं है, वो लेके आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम लंच स्टार्ट करते हैं, तो आपको मैं मिलता हूँ लंच के बाद। तो गाइस अभी खाना खा के हो चुका है, और जो भरेला रोटला था बेसिकली पराठा था जो स्टफ्ड है, मतलब बाजरे की रोटी को स्टफ किया है और उस पर घी, तो खाना हो गया ज़्यादा, खाना अच्छा था नो डाउट, बट अभी आने वाली नहीं, और अभी मैं और 200 किलोमीटर जाना है, तो चलो देखते हैं कितनी दूर तक जाते हैं। अभी बजे हैं 2:30 और 10-15 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो मिलते हैं आपको फिर हाईवे पे। गाइस अभी हमारा लंच हो चुका है और हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। हम लोग ने 337 किलोमीटर्स अभी तक कवर कर चुके हैं, और
हमारा प्लान है कि हम कुछ भी करके आज अहमदाबाद क्रॉस करके बाद में देखेंगे आगे जाना है या अहमदाबाद के आसपास ही कहीं पे अकोमोडेशन देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला ब्रेक हम एटलीस्ट 100 किलोमीटर के बाद ही लेंगे। तो गाइस मैंने एक नोटिस किया है, सूरत के बाद रोड्स एकदम मस्ती के जैसे हो गए, ना खड्डे हैं ना कुछ है, बस टॉप टू टॉप गाड़ी जा रही है। एक्सीलेटर करने की, नीचे करने की जरूरत ही नहीं आपको, ना ब्रेक की जरूरत है ना क्लच की। ब्रिज काफी खूबसूरत बना है। अरे देखो जस्ट मिस हो गया, 2-4 इंच का फर्क था दोनों गाड़ियों के बीच में। ये कुछ रोड लेके जा रहे हैं, थोड़ा चाय पीने के लिए रुके हैं क्योंकि जो खाना हमने खाया था वो घी वाला था, छाछ वगैरह, तो उसके वजह से थोड़ी नींद आ रही है। दोपहर में वैसे भी नींद आती है अगर स्पेशली अगर अच्छा खाना हो तो। हमने सोचा थोड़ा चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं और ये भाई साहब हैं जो बैठे हैं जिनकी चाय की दुकान है जय मेवाड़ा नाश्ता हाउस। ये कौन सा टोल नाका है? ये गर्जन टोल नाका। क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह। तो काफ़ी अच्छी चाय है। तो आप यहाँ से अगर गुजरते हैं लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे स्टॉल है जिनमें एक इनका भी स्टॉल है। तो हम लोग थोड़ा अभी रिलैक्स कर रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। मतलब यहाँ पे अच्छी सुविधा भी है, खाट भी है, चेयर भी है, तो हमने सोचा थोड़े पैर फैलाते हैं। गाइस अभी चाय ब्रेक हो गया है और हम अभी निकलते हैं आगे क्योंकि अभी हमें और 150 किलोमीटर्स करने हैं, मोर देन 150 किलोमीटर्स, 160 और किलोमीटर्स है टू अहमदाबाद। और ये जो चाय वाले जो भाई हैं उन्होंने कहा है कि शाम को यहाँ पे पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो हम जल्द से जल्द हमारे लोकेशन पे पहुँचना चाहते हैं क्योंकि हमने रेन गियर नहीं लाए हैं। महाराष्ट्र छोड़ने के बाद पहली बार ये पहाड़ दिख रहा है सामने, तो नजदीक से मैं ध्यान से देखा तो दैट इज नॉट अ पहाड़, दैट इज कचरे का ढेर। यस, इट्स अ डंपिंग ग्राउंड। और ये इतना ऊंचा है आप देख सकते हो ऊपर ट्रक्स हैं। सूरज अभी ढल रहा है तो हमने जब ये राइड शुरू की थी तब अंधेरा था और सूरज देवता अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। यहाँ से अहमदाबाद कुछ 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर बाकी है, तो 1 घंटे के अंदर हम पहुँचने चाहिए। फिलहाल हम एक चाय के टपरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि तो अभी बहुत कंटाला आ रहा है, बम भी दुख रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। चाय की टपरी दिख गई तो यहाँ पे अभी चाय पियेंगे और फिर थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। शाम के बज रहे हैं 5:30 ना और हम अहमदाबाद से कुछ 68 किलोमीटर पहले हैं। सुबह से हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 478 किलोमीटर। तो अभी प्लान ये है कि हम अहमदाबाद क्रॉस करके कहीं एक 10-15 किलोमीटर आगे कहीं रूम बुक कर लेंगे जहाँ पे रात को रहेंगे और कल सुबह निकल के हम जो सन टेम्पल हम लोग जाने वाले हैं मेहसाना मोढेरा और फिर वहाँ से रानी की वाव जाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। अरे ध्यान में ही नहीं और पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो अचानक मेरा ध्यान गया
नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती थी आज। फुल करना। तो गाइस अभी हमने अहमदाबाद क्रॉस किया है और हम सोच रहे थे, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम अहमदाबाद क्रॉस करके कोई होटल देखेंगे, वहीं पे रहेंगे और कल सुबह हम मेहसाणा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई होटल ही नहीं है, तो हम सोच रहे हैं 70 किलोमीटर है तो क्यों ना मेहसाणा जाए, और जिस जगह पे हमको जाना है कल सुबह वहाँ पे हम आराम करेंगे और कल सुबह थोड़ा लेट निकलेंगे। तो अभी हम रास्ते में एक ढाबे पे हम लोग रुके हैं खाने के लिए, तो बस खाने की राह देख रहे हैं और ये खाना आ गया। तो हमने गुजराती थाली मंगाई है जिसमें दो सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पापड़ है, प्याज है और राइस है। तो चलो देखते हैं कैसा खाना है। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है एंड खाना इतना ज़बरदस्त था, जो मज़ा आया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये रोड साइड ढाबे से इतना अच्छा खाना होगा, बट देन इट वॉज द फूड वॉज रियली वंडरफुल। तो ये इस ढाबे का नाम है पुरोहित होटल, जो अहमदाबाद महसाना हाईवे पे है। जैसे ही आप टोल नाका क्रॉस करते हो तो ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। इट्स जस्ट गुजराती थाली इज जस्ट 120 रुपीज, जिसमें पूरा मील आता है आपको, एंड इनफैक्ट रोटी वो एक्स्ट्रा आके पूछते हैं चाहिए क्या। सो इट वॉज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस हैविंग फूड एट दिस प्लेस। यहाँ से मेहसाणा इज 73 किलोमीटर्स एंड आर एन 27 मिनट जर्नी। तो अभी हम आपसे सीधा होटल में मिलेंगे। तो गाइस अभी हम ये होटल में चेक इन कर चुके हैं, इसका नाम है होटल जनपद। तो मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। वैसे तो कमरा इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि ये बजट होटल है। हाँ, बेड साफ सुथरा है और टॉयलेट साफ सुथरा है, और मैं सोचता हूँ कि बस बेड और टॉयलेट साफ हो तो बहुत कुछ है। वैसे भी हमको सिर्फ यहाँ पे सोना है और कल सुबह वापस हम निकल रहे हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ कमरे का टैरिफ है ऑनली 600 रुपीज़, 600 रुपये है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।